हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल लर्न इंग्लिश विद दिव्या शर्मा पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हेनरी लुईस विवियन डेरोजियो की एक पोम सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिनस्ट्रल। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोम के बारे में पढ़ना। पोम शुरू करने से पहले हम इस पोम के जो राइटर हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू द पोइट। हेनरी लुईस विवियन डेरोजियो इज द फर्स्ट पोइट ऑफ इंडो इंग्लियन पोइट्री। हेनरी लुईस विवियन डेरोजियो अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले प्रथम कवि थे। His father was Portuguese, while his mother was Indian. उनके जो फादर थे वह पुर्तगाली थे और उनकी मदर जो थी वह इंडियन थी। He was only 16 at that time, yet he began to weave garlands of poetry. यानी जब वह 16 वर्ष की उम्र के थे तो उसी समय से उन्होंने पोइट्री की माला गूंथना शुरू कर दिया, यानी बहुत सारी पोम लिखना शुरू कर दिया। He was influenced by the romantic poets. वह जो रोमांटिक पोइट्स थे उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, यानी प्रभावित हुए थे। He died at the early age of 22. यानी वह बहुत ही कम उम्र 22 वर्ष की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। हम उनकी पोम डिस्कस करने वाले हैं। वह अपनी जिसका नाम है दिलदार, वह एक कश्मीरी बाला है, उसको एड्रेस करके ये पोम पूरी बताते हैं और उसकी तारीफ में ही बताते हैं कि आखिरकार उनकी जो लवर है वह कैसी दिखाई देती है। तो चलिए अब आगे इस पोम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिनस्ट्रल। With surma thinks the black eyes spring, twill sparkle like a star. अपनी लवर के लिए कहता है कि जब वह अपनी आंखों में सुरमा डालती है तो उसकी आंखें ऐसे चमकती है जैसे कि कोई स्टार चमक रहा हो। यानी उसका कहना है कि उसकी जो लवर है उसकी आंखें पहले से ही काली है बहुत, और जब वो और काला सुरमा लगा देती है तो उसकी आंखें ऐसे चमकती है जैसे कि कोई तारा चमक रहा है। With roses dress, each raven dress, my only love dildar. गुलाबी रंग के वस्त्र पहनेगी या कपड़े पहनेगी तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देगी। के जो बाल ऐसे काले हैं जैसे कि कोई किसी कौवा के हो, उसके बाल कहता है कि उसके बाल की लटे इतनी काली है जैसे कि कौवा काला होता है, उस तरह की। भी केवल उसकी जो लवर है दिलदार उसी से प्यार करता है। दिलदार, देयर मेनी अ वैल्यूड पर्ल्स इन रिचेस्ट ओमान सी। दिलदार जो एक कश्मीरी बाला है उसको आगे वह कहता है कि सागर में बहुत ही ज्यादा कीमती और बहुमूल्य मोती है। बट नन माई फेयर कश्मीरियन गर्ल, ओ नन कैन राइवल दी। कहता है कि उस समुद्र में इतने उत्कृष्ट और कीमती मोती है लेकिन उसकी जो लवर है दिलदार उसके जैसा एक भी मोती नहीं है, और कोई भी मोती ऐसा नहीं है जो उसकी सुंदरता के सामने ठहर सके। कहता है कि उसकी जो लवर है दिलदार वह पूरे संसार में सबसे कीमती और सबसे उत्कृष्ट मोती है। इन बुशरा देयर इज मैनी अ रोज विच मैनी अ मेड मे सीक। आगे पोइट कहता है कि बसरा में अनेक सुंदर गुलाब के पुष्प है और उन गुलाब को प्राप्त करने की इच्छा काफी बालाओं के मन में होती है, लेकिन बट हु शेल फाइंड्स अ फ्लावर विच ब्लोज लाइक दैट अपॉन दाई चिक्स। पर कोई भी व्यक्ति ऐसा पुष्प प्राप्त नहीं कर सकता जैसा कि उसकी जो लवर है उसके गालों पर खिला हुआ है। उसका कहना है कि उसकी जो लवर है उसके जो गाल है उन पर जो गुलाबी रंग चमकता है वह उन फूलों से भी बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ही ज्यादा कीमती, वह किसी और को नहीं मिल सकता। उसकी प्रियसी उसकी जो लवर है उसके जो गाल है वह दूसरा शहर के जो गुलाब है उनसे भी अधिक सुंदर है। इन वर्डेंट रेल्म्स नीज सनी स्काइज विथ विचिंग मिनिस्ट्रेलसी। कवि कहता है कि वहाँ उन क्षेत्रों में जहाँ चारों तरफ हरियाली फैली हुई है उन क्षेत्रों में जाकर के और जहाँ धूप चमक रही होगी वहाँ पर अपनी आकर्षक और मोहक आवाज़ में गाना गाएगा, जैसे कि कोई जिस तरह की कोई घुमक्कड़ गायक जो होता है यानी घूम कर जो एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर जो गाने गाने वाले होते हैं उसकी तरह वहाँ भी घूम करके और गाना गाएगा। We all favor find in all young eyes and all shall welcome thee. पोइट कहते हैं कि वह ये जो गीत गाएंगे वह अपनी लवर दिलदार के लिए गाएंगे, और जब ये गीत सब लोग सुनेंगे उनकी जो लवर के लिए वो इतना मधुर गीत गाने वाले उसकी प्रशंसा करके, वह यहाँ पर उसकी प्रशंसा उसकी सौंदर्य की प्रशंसा करेंगे और उसके लिए वह गीत गाएगा। तो वह कहता है कि जब ये गीत बाकी लोग सुनेंगे तो वहाँ उनकी जो लवर है दिलदार उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करेंगे और उनके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा आकर्षण होगा कि आखिरकार ऐसी कैसी दिखती है उनकी लवर, तरह की दिखाई देती है यह देखने के लिए वो सब लोग
आकर्षण में रहेंगे। सब लोग गर्म जोश से यानी दिलदार का हार्दिक रूप से स्वागत करेंगे। अराउंड अस नाउ देयर बट द नाइट द हेवन अलोन अबव। कवि कहता है कि प्रेजेंट टाइम में तो उनके पास सिर्फ रात्रि का जो अंधेरा है उसके और उसके सर पर जो आसमान है उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उसको इस बात पर दुख नहीं करना चाहिए और अपने मन को दुखी नहीं करना चाहिए, अपना दिल को छोटा नहीं करना चाहिए। बट सून वी ऑल ड्वेल इन सिटीज ब्राइट देन चीयर दी लव। बहुत ही जल्दी वह एक चमकीले और चमकदार शहर में चले जाएंगे जहाँ पर चारों तरफ प्रकाश और आनंद ही आनंद होगा। कवि अपनी लवर को कहता है कि तुम्हें इन सब बातों को सोच करके दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि बाद अंधकार का जो स्थान है वह प्रकाश ले लेगा। साथ है यानी हमें जो दुख हो रहा है उसका स्थान कौन ले लेगा? प्रसन्नता ले लेगी। वो अब किसी अंधेरे वातावरण में नहीं रहेंगे बल्कि किसी चमकदार शहर में चले जाएंगे जहां वो दोनों साथ रहेंगे और आराम से रहेंगे। शहर में जाकर के और वो दोनों बहुत ही प्रसन्नता से भी रहेंगे। द हार्ट इटर्नली इज ब्लेस्ड वेयर होप इटर्नली स्प्रिंग्स। कहता है कि जब पृथ्वी पर रहते हुए हम अपने मन में आशा का प्रादुर्भाव रखेंगे यानी अपने मन में आशा को बनाए रखेंगे तो उनके हृदय को भी अनंत सुख और ईश्वर का वरदान प्राप्त होगा। देन हश दाय सोरो ऑल टू रेस्ट वेल ऑल ट्रीट द कोर्ट्स ऑफ किंग्स। आगे वह कहता है कि उसकी प्रेयसी को कि तुम्हारे मन में जो भी दुख है उसको तुम आशा के रूप में परिवर्तित कर दो यानी दुख मत रखो और सोचो कि आशा बनाए रखो कि आगे अच्छा ही होगा। उनका जो भविष्य है अब लगता है कि आशा से परिपूर्ण है। कहता है कि आगे चल करके उन्हें सारे सुख और आनंद प्राप्त होंगे और उन ऐसे रहेंगे जैसे कि किसी किंग को जैसे मिलते हैं आनंद उस तरह से उनको रखा जाएगा। लवर को समझाता है कि दिलदार तुम आशा बनाए रखो, हम आने वाले टाइम में ऐसे रहेंगे जैसे किसी दरबार में जो राजा रहता है उस तरह से रहेंगे, बस तुम अपनी आशा को मत छोड़ना। इन पैलेस हॉल्स यूवर स्ट्रेंथ वी ऑल रेज देयर ऑल यूवर सॉन्ग शेल फ्लो। कवि अपनी प्रेमिका को विश्वास दिलाता है कि अपना अच्छा समय आएगा। जिस तरह से रात्रि के बाद प्रभात आता है उसी तरह से उनका दुख भी दूर होगा और उनके लिए अच्छा समय आएगा। सुख और दुख का तो एक चक्र है, यहाँ चलता रहेगा। के दिनों के बाद अच्छे उनके लिए प्रसन्नता के दिन भी आएंगे। कम चीयर दी स्वीट फॉर द बेटर डेज शेल डाउन अपॉन यूर वो। वह कहता है कि उनके जो आनंद के गीत हैं वह स्वतः ही प्रवाहित होने लग जाएंगे जैसे किसी नदी का जल स्वतः ही प्रवाहित होता है। जो लवर है उसको हौसला रख करके और प्रसन्न होना चाहिए कि लाइफ में जो है वो दुख के दिन खत्म होने के बाद सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। ने वीप नॉट लव दाउ शोल्डर्स्ट नॉट वीप द वर्ल्ड इज ऑल यूअर होम। पोइट अपनी लवर को कहता है कि दिलदार तुम्हें रोना नहीं है और ना ही दुखी होना चाहिए, यह जो पूरा संसार है यही अपना घर है। के लिए यह जानते हुए कि पूरा संसार उसका घर है उसके बाद भी उसका रोना और दुख मनाना अच्छी बात नहीं है। लाइफ इज वॉश टूगेदर वी शेल कीप वी ऑल लव वेयर एवर वी रोम। अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहेंगे, वह दोनों एक दूसरे के साथ ही अपना जीवन बिताएंगे और साथ रह करके और एक दूसरे के जीवन के बारे में गहन अध्ययन करेंगे यानी एक दूसरे को और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। वो कहीं पर भी जाए और कैसे भी रहे और हर कहीं जा करके और अपना घर बनाकर रह लेंगे और वो सदैव एक दूसरे से इसी तरह से प्यार करते रहेंगे। इस तरह से कवि अपनी जो लवर है उससे सभी स्थान पर प्रेम करने का वायदा करता और कहता है कि कोई भी स्थान हो और कोई भी सिचुएशन हो वह हर जगह उसका प्रेम इसी तरह से अमर रहेगा। लाइक बर्ड्स फ्रॉम लैंड टू लैंड वी ऑल रेंज एंड विथ यूर स्वीट सितार। वह अपनी लवर को कहता है कि दिलदार हम अपन दोनों मिलकर के और पूरी दुनिया का भ्रमण करेंगे यानी पूरी दुनिया में घूमेंगे। उनके लाइफ में जीवन पर उनको लुभाने वाला सितार का संगीत भी होगा यानी उनकी लाइफ में हमेशा खुशी इसी तरह से बनी रहेगी और उनका प्यार भी इसी तरह से अमर रहेगा। उनके प्यार में कोई भी अंतर नहीं आएगा। आवर हार्ट्स द सेम दाउ वर्ल्ड्स मे चेंज वी ऑल लव लीव एंड लव दिलदार।
का जो हृदय है वह पारस्परिक प्रेम से ओतप्रोत है, यानी दोनों एक दूसरे से ज्यादा प्यार करते हैं। जो प्यार है वह सदैव ऐसा ही रहेगा, उनके प्यार में कभी भी कोई बदलाव नहीं आएगा। सारा संसार बदल जाए लेकिन उनका प्यार में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। वह अपनी प्रियसी जो उनकी लवर है दिलदार, उससे वचन देता है कि वो दोनों साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, और जब तक जिएंगे तब तक दोनों साथ रहेंगे और एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, और पूरी लाइफ एक दूसरे से इसी तरह से प्यार करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Share, like, dislike, subscribe this channel.